जी, ब्लीडिंग इन थैलेसीमिया का जो एक कॉन्सिक्वेंस है, या आप सीक्वल भी कह सकते हैं, वो होता है पेन, स्पेशली इंट्रा आर्टिकुलर ब्लीडिंग, यानी कि जो ब्लीडिंग जॉइंट के अंदर होती है। इसमें ज़्यादा जो अफेक्ट जॉइंट होते हैं वो नी जॉइंट कभी, और उसके बाद एल्बो जॉइंट, और कभी कभार एंकल जॉइंट, और कोई दूसरे जॉइंट्स भी उसमें अफेक्ट हो सकते हैं। तो उसमें जो प्रेशर सिम्टम होती है, प्रेशर सिम्टम की वजह से बहुत ज़्यादा पेन होती है पेशेंट को। तो सबसे पहले तो पेशेंट का जो फैक्टर 8 लेवल है, या जो भी उसका फैक्टर डेफिशिएंट है, उसको 100% से ऊपर ले जाए, और उसको 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स जो हैं वो उसके लगेंगे, तो उसका लेवल ठीक चला जाएगा। उसका ये सीक्वल ये होगा कि कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि उससे ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। जब ब्लीडिंग बंद होगी तो वो जो मज़ीद उसकी एग्रीवेशन है और उसका जो प्रेशर सिम्टम है वो रुक जाएगी। उसके बाद अगला स्टेप आ जाता है कि जितनी भी ब्लीडिंग हो चुकी है, वो जो पेन कॉज कर रही है उसका हमने क्या करना है। उसमें हमने उसको पैरासीटामोल या पेनाडोल का जो एनसेड का ग्रुप है वो देना, दूसरे एनसेड्स नहीं देने। दूसरे एनसेड्स चूँकि प्लेटलेट को इनहिबिट करते हैं, तो उससे ब्लीडिंग थोड़ी सी एग्रीवेट हो सकती है। तो हमने ये ग्रुप देना है एनसेड का, प्लस अगर इससे भी नहीं रुकती, ये जो ग्रुप है ये 4 to 6 आवर ले दिया जा सकता है। आइबुप्रोफेन नहीं देना और डाइक्लोफेनिक नहीं देना, एस्पिरिन नहीं देना। अच्छा, उसके बाद ये है कि हम पेशेंट को अगर उससे भी कंट्रोल में ब्लीडिंग नहीं आती, ये वाले ग्रुप्स हम 4 to 6 आवर ले दे सकते हैं, इससे भी ब्लीडिंग कंट्रोल में नहीं आती, तो फिर हम पेशेंट को देंगे मॉर्फिन डेरिवेटिव्स, पैथिडीन डेरिवेटिव्स, मॉर्फिन डेरिवेटिव्स, वो हम पेशेंट को देंगे। वो सेंट्रल लेवल पे पेन सेंसिंग मैकेनिज्म को रोक देते हैं और पेशेंट पेन फ्री हो जाता है टेम्परेरली। वो भी आपने 4 to 6 आवर ली और 8 आवर ली या 12 आवर ली, डिपेंड्स अपॉन द नीड एंड सीवियरिटी ऑफ द पेन, वो आप पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन उसका इशू ये होता है कि आप उसको 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी फिर डिपेंडेंस हो जाती है और उसकी टॉलरेंस हो जाती है, उसकी विड्रॉल में फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसको 5-7 दिन से ज़्यादा नहीं देना। यूजली फैक्टर 8 और ये हीमोफीलिया की जो ब्लीडिंग्स होती हैं और पेन क्राइसिस होता है, वो 2-3 दिन का ही होता है। 2-3 दिन के बाद ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। उसके साथ साथ उसको काइमोट्रिप्सिन देना है, डिफरेंट नामों से, ट्रेड नेम से वो मिल जाता है, वो आपने देना है, ताकि वो उसका जो भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस वहाँ पे शुरू हुआ है उसको रोके, और पेन जो कॉज कर रहा है उसको रोके, और जो है वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं फ्लूइड्स हो रही हैं, प्रोटीन्स इकट्ठी हो रही हैं, उनको ब्रेक डाउन करे, ताकि वो डिजॉल्व होकर ब्लड के अंदर वापस चले जाए आहिस्ता आहिस्ता। जॉइंट्स की ब्लड सप्लाई नहीं होती एज सच, डायरेक्ट ब्लड नहीं होता है, थ्रू साइनोवियम, साइनोवियल फ्लूइड, वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और मेडिकेशन और जो भी उनका डिसॉल्व होना है इन्फ्लेमेटरी मैटर, वो वहाँ से वापस जाता है। तो अगली चीज़ जो ये है कि अगर ब्लीडिंग कंसिस्टेंट, ब्लीडिंग रुक गई है, वो आपको पता चल जाएगा उसके अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा, 2-3 दफ़ा अल्ट्रासाउंड कराएंगे डेली बेसिस, उससे पता चल जाएगा, या आपको वैसे भी एग्जामिनेशन पता चल जाएगा। जो ब्लीडिंग जॉइंट होता है वो वार्म होता है, जो जिसमें ब्लीडिंग रुक गई है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है, नॉर्मल दूसरे जॉइंट के बराबर ही वो उसका टेम्परेचर आ जाएगा। टेम्परेचर आपने हमेशा हाथ की बैक साइड से चेक करना है, फ्रंट साइड से चेक नहीं करना। तो वो उसका टेम्परेचर जब नॉर्मल हो जाए, उसमें की स्वेलिंग रुक जाए, उसमें इंक्रीज रुक जाए, तो दैट मीन्स कि उसकी ब्लीडिंग रुक गई है। तो अब वो सिर्फ उधर ब्लड पड़ा हुआ है जो कि क्लॉट हुआ हुआ है, और वो प्रेशर सिम्टम से पेन कॉज कर रहा है, तो उसको फिर हमने एस्पिरेट करना होता है। ये जो एस्पिरेशन है ये इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट है। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन जो है वो एट राइट एंगल टू द जॉइंट लगता है, ये एट हॉरिजॉन्टल एंगल टू जॉइंट हम इसकी पैटेलर, अपर पैटेलर बॉर्डर और लोअर पैटेलर बॉर्डर से हम उसको रख के हॉरिजॉन्टल, तो वहाँ से हम नीडल इंजेक्ट करते हैं और वहाँ से एस्पिरेट करते हैं। इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड भी किया जा सकता है, वो डेफिनेटली वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता आपने करना है।
अल्ट्रासाउंड एक उससे पहले होना ज़रूरी है नी जॉइंट का, ताकि उससे पता चले कि ये जो ब्लीडिंग है इसका साइज़ क्या है, ताकि आपको पता हो कि आपने कितना एस्पिरेट करना है। ठीक है, तो ये हैं चीज़ें जो कि पेन क्राइसिस इन हीमोफीलिया में जो है वो करने की ज़रूरत होती है। बाकी जो इंट्रा पेरिटोनियल या इंट्रा कैविटी ब्लीडिंग होती है उसमें पेन एस सच नहीं होती, उसमें शॉक होता है, क्योंकि कैविटीज़ बड़ी होती हैं तो पेशेंट शॉक में जाता है, तो वो अपने फ्लूड रिप्लेसमेंट और वो उस तरह की चीज़ें हैं उसमें, वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग एंड सपोर्टिंग।